झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव महज 3 से 4 महीने दूर है। ऐसे में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तो होना ही है, लेकिन झारखंड के समर में जयराम महतो भी हैं। तेजी से उभरते इस युवा नेता ने पहले ही प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में ये कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सभी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। 81 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, किसने कहा 81 सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्या कहा था? पहला बात, आप लोग हर चीज को आप ले लेते हैं एकदम। हमने क्या था अनुमान? हमने क्या कहा था? हम लोग 800 लोकसभा लड़े हैं, 8×6=48 होता है, 17 और 4 में 5-5 सीट, 46 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जहां लोकसभा लड़े हैं वहां विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम ये आपको बता रहे थे कि अनुमान हम लोग 55 तक जा रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि अनुमान, तो अगर समय बीतता जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 81 को टच करेंगे, उसमें क्या हर्ज है? झारखंड में जयराम महतो के अलावा मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की एंट्री भी हो गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी ताल ठोकेगी। हाल ही में बोकारो में AIMIM ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। शाकिर ने ऐलान किया कि AIMIM झारखंड में इस बार सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी AIMIM झारखंड की सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इच्छुक है। हालांकि अगर पार्टी का समझौता इंडिया गठबंधन के साथ होता है तो सीटों पर साझेदारी की जाएगी। हालांकि इसके आसार बेहद कम हैं कि ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। झारखंड में 15% मुस्लिम आबादी है। राज्य के संथाल परगना इलाके में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगी। साफ है कि झारखंड में ओवैसी और जयराम महतो की मौजूदगी पहले से स्थापित पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में भले जयराम महतो कोई सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन उनके उम्मीदवारों को मिले वोटों ने सबको चौंका दिया था। जयराम महतो की पार्टी झारखंड में 30 से 35 विधानसभा सीटों पर असरदार साबित हो सकती है। सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी और ईचागढ़ विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर्स की तादाद 75% से ज्यादा है। जयराम महतो जाति से कुर्मी हैं। अभी तक कुर्मी नेता के रूप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की ही राज्य में पहचान थी, जो फिलहाल एनडीए के साथ हैं। जाहिर है जयराम महतो की मौजूदगी आजसू के समीकरण बिगाड़ सकती है, जिसका सीधा नुकसान एनडीए को हो सकता है। यानी एक तरफ जहां ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहीं जयराम महतो कुर्मी वोटों में सेंधमारी कर एनडीए के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। आने वाले दिनों में आजसू और जयराम महतो के बीच कुर्मी वोटों को लेकर खींचतान दिख सकती है। चुनाव आज तक।